भी सख्त कार्रवाई की जरूरत है। आप नजर बना रखिएगा। विष्णु बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रही है, जहां पर पानीपत में भीषण आग लग गई है। ये आग कंबल की फैक्ट्री में लगी है। दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो भीषण गर्मी में लगातार आग लगने की खबरें सामने आ रही है। और हरियाणा के पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भीषण आग लग जाने की सूचना है। कंबल की फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें आग लगी, और इसके बाद धीरे धीरे ये आग तेजी के साथ फैलती चली गई। और दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। हरियाणा के पानीपत से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर कंबल की फैक्ट्री में भीषण भयंकर आग लगी हुई है। चारों तरफ धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हो गए हैं। सबसे पहले कोशिश ये है कि आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन सवाल ये है कि जब ये आग लगी, चूंकि ये फैक्ट्री है, तो क्या इस दौरान अंदर मजदूर और लोग भी मौजूद थे? क्या इस हादसे में कोई जनहानि भी हुई है, कोई हताहत भी हुआ है? लेकिन ये तस्वीर तभी साफ हो पाएगी जब आग पर काबू पा लिया जाए और जो दमकल की टीम है और प्रशासन की टीम है वो अंदर जाकर जायजा ले सके। सवाल ये भी है कि आखिर ये आग कैसे लगी होगी। तो दो अलग अलग तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी, जहां पर कंबल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है। पूरे टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि कितनी भयानक यहां पर आग लगी है। ये आग खुद से लग गई, किसी हादसे की वजह से या लगाई गई है, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन दमकल की टीम वहां पर, कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और लगातार पानी का प्रयोग करते हुए आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आग इतनी भीषण है, इतनी भयानक है कि आग पर काबू पाना दमकल टीम के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। दूर दूर तक आग का धुआं फैल चुका है और पूरे शहर को आगोश में ले चुका है। आसपास कई और घर और दुकान भी नजर आ रहे हैं और ऐसे में उनके चपेट में आने की भी संभावना। यही वजह है कि लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से खबर है, जहां पर एक और आतंकी को ढेर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार मुठभेड़ जारी है। सेना के जवान डूटे हुए हैं आतंकियों के खात्मे को लेकर, और इस बीच सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कठुआ में एक और आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। आपको बताते चले कि कठुआ में अब तक दो आतंकी मार गिराए गए हैं। सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया है। दूसरे आतंकी से M4 राइफल भी बरामद हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर मुठभेड़ के दौरान की, जहां पर ताबड़तोड़ गोलियां दोनों ओर से चल रही थी और इस दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी और हथियारों का जखीरा भी आतंकी के पास से बरामद हुआ है। मारे गए दोनों आतंकियों का जैश ए मोहम्मद से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि एक और आतंकी, ऐसा कहा जा रहा है, कि इलाके में छिपा हुआ है।